जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अपर डिवीजन क्लर्क, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 3,845 पदों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंस डेट, फॉर्म फीस के बारे में, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी के बारे में, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। तो इसके फॉर्म दोस्तों 15 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। यानी आप 15 फरवरी 2022 तक इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर्म फीस की अगर बात करें, तो यदि आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहां 500 रुपये लगेगी, और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस यहां 250 रुपये लगेगी। और इसके अलावा यदि आप PWD कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहां 250 रुपये ही लगेगी। इसके बाद हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यदि आप अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी यहां 25,000 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक पर मंथ रहेगी। फिर इसके बाद यदि आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ आपकी यहां सैलरी रहने वाली है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यदि आप अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर डिग्री मांगा गया है, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और साथ में यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, पहली बात। और यहां पर शॉर्ट हैंड मांगा गया है डिक्टेशन, जो कि 10 मिनट का रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यहां पास 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी में मांगा गया है। बाद यहां पास आप देख सकते हैं कि टोटल पद जो हैं तो 3,845 पद हैं। ये सभी स्टेट को मिलाकर कि किस स्टेट में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, सभी स्टेट को मिला करके इतनी सारी पोस्ट निकाली गई हैं 3,845। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सिलेबस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट निकाली गई है तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें प्री होगा, फिर मेंस होगा और फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, तीन स्टेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट का। तो सबसे पहले हम अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट जो निकाली गई है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और क्वांट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, एक घंटे आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेन्स आता है, फिर इसके बाद मेन्स एग्जाम होगा,
तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और क्वांट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें आपको 2 पावर पॉइंट की स्लाइड तैयार करना पड़ेगा, टाइपिंग एमएस वर्ड में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग के साथ। फिर इसके बाद आपको एमएस एक्सेल में टेबल तैयार करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके, जो कि 20 नंबर का होगा। टोटल 50 नंबर का यहाँ पास होने वाला है और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट निकाली गई है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अगर बारे में बात करें, तो पहले इसमें सीधे मेंस एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आप यहाँ पास समय देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो डिक्टेशन होता है 10 मिनट का वो होगा, और यहाँ पास इंग्लिश और हिंदी में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपका यहाँ पास होने वाला है। ए क्वालिफाइंग नेचर का होता है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर में। ओके, फिर इसके बाद एमटीएस की जो पोस्ट निकाली गई है, तो उसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। तो पहले हम एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें। तो एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ प्री होगा और मेंस होगा। ओके, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं, प्री में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, 1 घंटे आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेंस आपका होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 200 नंबर का होगा और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।